हरियाणा पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला की मीटिंग मोंगीनंद पंचकुला में आयोजित की गई। हरियाणा के रिटायर्ड पूर्व डीजीपी आईपीएस बलजीत सिंह संधु मुख्य अतिथि पहुंचे। हरियाणा पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला की मीटिंग में जिला पंचकुला सहित अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग शहरों से हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड एसपी डीएसपी एसएचओ सब इंस्पेक्टर अन्य पुलिस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर यहां शनिवार को हरियाणा के रिटायर्ड पूर्व डीजीपी आईपीएस बलजीत सिंह संधु मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा यहां पर रिटायर्ड एसपी अरुण मोदगिल पूर्व डीएसपी अशोक बख्शी सतीश गहलोत ताराचंद गुप्ता अंबाला पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान अश्विनी शर्मा पूर्व एडिशनल एसएचओ जसविंदर सिंह हिमशिका कॉलोनी पिंजौर पूर्व डीएसपी वेद प्रकाश शिवरान पूर्व एसएचओ एलएन वर्मा सहित जिला पंचकुला और अंबाला लोकसभा क्षेत्र से पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हुए थे। मीटिंग के दौरान पूर्व एसएचओ रिटायर्ड एलएन वर्मा ने बताया कि मीटिंग के दौरान यहां सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और उसे सरकार के माध्यम से हल करवाने की मांग भी रखी। इसके अलावा यहाँ पर अन्य सुविधाओं के बारे में भी पुलिस ऑफिसर्स को जानकारी साझा की गई। मीटिंग में कहा गया कि सभी सम्मानित सदस्य एक दूसरे की इज्जत करें और आपसी मेल मिलाप और भाईचारा बना के रखें। इस दौरान मीटिंग में हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड एसपी डीएसपी एसएचओ और अन्य सीनियर सिटीजन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। बाद में सभी के लिए यहां रिफ्रेशमेंट का भी आयोजन किया गया था। मैं हमारी स्वेत के बारे में और दूसरे अन्य मुद्दों के बारे में बात की। तीन एसपी साहब हमारे यहाँ शामिल हुए, अशोक बख्शी जी, मोदगिल साहब, अरुण मोदगिल साहब, गुप्ता जी, ये और कई डीएसपी इसमें शामिल हुए जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये महीने में हम एक बार, हमारी ये वेलफेयर एसोसिएशन है पंचकुला रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की, हम महीने में एक बार यहाँ इकट्ठे होते हैं। आपस में किसी की कोई दुख है तकलीफ है मिलनसारी हो जाती है इस बहाने से, या कोई डिपार्टमेंट की कोई परेशानी है, किसी की पेंशन में त्रुटि आ गई, किसी की पारिवारिक कोई समस्या आ गई, उसके लिए हम एकत्रित होते रहते हैं। अब हमारी एक दो छोटी छोटी डिमांड है, जैसे अभी उम्र के हिसाब से जो है ना बीमारी आ जाती है, खर्चा बढ़ जाता है, तो हम एक तो मेडिकल भत्ते की डिमांड है हमारी कि भी वो 1000 रुपये और बढ़ा जाए। दूसरी हमारी एक डिमांड है कि भी जो अभी सरकार नहीं मान रही हमें 65 के बाद में 5%, 70 के बाद में 10% और 75 के बाद में 20% का वो बेनिफिट भी दिया जाए पेंशन में, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। डीजीपी साहब ने बहुत बढ़िया डायरेक्शन दी हमारे स्वास्थ्य के बारे में, उन्होंने कहा समझाया, आपस में मेल मिलाप से रहने का समझाया, और परिवार में भी घर में भी ठीक ठाक रहो और समाज सेवा करो आप, इस तरह उन्होंने कहा कि आपकी उम्र है आप समाज सेवा करिए।